हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर मस्करे आप सभी का अपने इस वर्दी वाले चैनल पर एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूं। एक लेटेस्ट न्यूज आपके लिए लेकर आ गया हूं एसएससी जीडी के बारे में प्लस एमपी पुलिस फिजिकल के बारे में। ठीक है, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर ठीक ठाक आए हुए हैं एसएससी जीडी में। अब आपके साथ परेशानी ये हो गई है कि एमपी पुलिस में भी अच्छे नंबर है, एसएससी जीडी में भी है, तो आप दोनों के लिए फिजिकल कीजिए। आपको तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि आपका यदि एमपी पुलिस में अच्छे नंबर है और एसएससी जीडी में भी अच्छे नंबर है, दोनों का फिजिकल करेंगे कहीं ना कहीं आपका एक जगह हो ही जाएगा। ठीक है, क्या हुआ था अभी एमपी पुलिस के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट मेरे पास आता है और कई सारे लड़के फोन लगा करके पूछते हैं कि सर हमारे ऊपर केस चल रहा है। ठीक है, कोर्ट के मतलब थाने में रिपोर्ट हो गया था इनके नाम से, बहुत सारे हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको समझाया जाता है कि शुरुआत में ही कि आपको यदि सरकारी नौकरी चाहिए तो ऐसा कुछ कर्मकांड न करिए जिससे आपके भविष्य में खतरा हो सकता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको आपके पहचान आपके जानने के लिए बता दूं, जानकारी के लिए बता दूं कि केस दो प्रकार के होते हैं अपराध। एक होता है संज्ञेय अपराध, एक होता है असंज्ञेय अपराध। यदि आप कोई संज्ञेय अपराध किए हुए हैं और उसमें आप पूर्णतः बरी हो गए हैं तो आपका चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा, आपका सत्यापन हो जाएगा, क्योंकि पूर्णतः बरी हो गया है मतलब केस खत्म हो गया है, आप बेगुनाह साबित हो चुके हैं। या तो फिर आपको कुछ सजा हुई होगी तो आप सजा काट के उसका परिणाम भुगत चुके हैं, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी भी केस चल रहा है, ना ही राजीनामा हुआ है, तो जो है उनको चरित्र प्रमाण पत्र बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, उनका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। और जब तक चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। अब बहुत सारे लड़कों का कमेंट होगा कि सर फलाने मेरा झगड़ा हुआ था उनके साथ में, उनके घर वालों ने मेरा भी नाम लिखवा दिया, तो क्या होगा? इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बशर्ते बस यही बात है कि वो केस आपका चालू नहीं होना चाहिए। और जो कुछ असंज्ञेय अपराध है उसमें तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, लड़ाई झगड़ा थोड़े बहुत गाली गलौज वाला जो केस लगा रहता है उसमें आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाला ये बात आपको समझ में आ गई होगी, एक पॉइंट। ठीक है, दूसरी पॉइंट है कि सर जो फिजिकल जो है, फिजिकल में हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, जितने नंबर पहले आ रहे थे उससे एक दो चार नंबर ही बढ़ रहे हैं, इसके अलावा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। नंबर रिटर्न में तो अच्छे हैं लेकिन फिजिकल में 50-55 ही कर पा रहे हैं, तो सर उसके लिए क्या करें? देखिए भाई, अब ऐसा है कि फिजिकल जो है इतने जल्दी और इतने ज्यादा नंबर इसमें इंक्रीज करना जो है बहुत मुश्किल काम है फिजिकल में। तो मेरी मानो तो आप एक काम करिए, यदि आपका फिजिकल बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है, तो आप जो है आप अपना जो ग्राउंड है फिजिकल ग्राउंड, तो फिजिकल ग्राउंड में आप धीरे 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 करके राउंड लगाइए। ठीक है, ज्यादा स्पीड भी ना दौड़िए। बहुत सारे लड़कों का तो ऐसा मैसेज आता है कि सर मैं दौड़ता हूं तो बहुत जल्दी मेरा सांस फूल जाता है। आप ही के साथ नहीं है भाई, जो टॉप मार रहा है ना उसका भी सांस फूल रहा है। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसने भयंकर प्रैक्टिस करी है, उसके अंदर सहनशीलता हो चुकी है। आपके अंदर सहनशीलता कब आ जाएगी? जब आप ग्राउंड के 10 चक्कर लगा लोगे धीरे धीरे अपनी स्पीड से कम 15 दिन एक महीने तक 10-10 चक्कर पर डे लगाइए, आप भूल जाइए कि मैं अभी फिजिकल की तैयारी कर रहा हूं। आप ये तो करिए कि अपने बॉडी मेंटेनेंस के लिए आ रहा हूं, इसी बात से आप दौड़िए, देखना ऐसा आपको भी एक दिन एहसास होगा कि सर अब तो मेरा दम भरता है लेकिन मेरे को उतना अखरता नहीं जैसे पहले अखरता था। ठीक है, तो उस प्रकार से जो है आप अपने फिजिकल में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। इसके बाद में यहां पर लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट जो है दोनों आप इसमें करते रहना फिजिकल के जस्ट बाद में, और एक्सरसाइज भी करते रहना। दूसरी चीज, कल ही एसएससी जीडी का जो है आंसर की आई है। ठीक है, तो एसएससी जीडी की आंसर की आई है, तो पहले क्या होता था इसके 2021 में जो है एसएससी जीडी के कट ऑफ के बारे में बताऊं तो मेल और फीमेल की कट ऑफ जो है जनरल में 76, ईडब्ल्यूएस में 74, ओबीसी में 75, एससी 68, एसटी 66, ये 2021 का कट ऑफ था। फीमेल की बात करूं तो ये आप देख सकते हैं अपने अपने नाम और कैटेगरी के समान। ठीक है, उस टाइम पर जो है 25,000 प्लस वैकेंसी आई थी और जो है 71,74,000 लोग जो है इसमें फॉर्म भरे हुए थे, कितने 71 लाख। लेकिन उस टाइम पेपर का पैटर्न कुछ अलग था। ठीक है, उस टाइम 100 क्वेश्चन आते थे, 100 मार्क का होता था और 90 नंबर का होता था। ठीक है, सॉरी 90 मिनट्स का होता था, कितने मिनट्स का, 90 मिनट्स में पेपर खत्म करना रहता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब उसको बहुत चेंज कर दिया है एसएससी जीडी ने। इसके बाद में जो है एक वैकेंसी और आई आपकी, 46,435 वैकेंसी आई थी 2022-23 में, तो उसमें जो है 54 लाख लोगों ने मात्र फॉर्म भरा था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि लास्ट में साइट बंद हो गई थी। इसमें जो है इसमें भी कट ऑफ अच्छा खासा गया था, इसके कट ऑफ को बता पाना इसीलिए थोड़ा सा अभी समय भी नहीं है मेरे पास। और दूसरी चीज है कि अलग अलग स्टेट वाइज इसका कट ऑफ बताना पड़ेगा, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, इन राज्यों का जो कट ऑफ है वो इसमें बहुत हाई फाई जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, दिल्ली तो खैर केंद्र शासित प्रदेश में आ गया, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश कहता हूं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये 2-3 राज्य ऐसे हैं जिसका कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कट ऑफ कम जाता है, झारखंड का कट ऑफ कम जाता है, उधर नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ कम जाता है। फाइनली मैं उसके कट ऑफ पे भी बना दूंगा। अब बच्चे इस संशय में आ गए हैं कि अब क्या करें, तो क्या करें, कुछ का मैसेज आने लगा कि सर 110 हो रहे हैं, 108 हो रहे हैं, 117 हो रहे हैं, 112 हो रहे हैं, फिजिकल करें कि नहीं करें। देखिए भाई, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता,
फिजिकल के लिए आप अपने पिछले कट ऑफ के हिसाब से एनालिसिस कीजिए, पिछला रिजल्ट देखिए, पिछले बार कितनी वैकेंसी आई थी और कट ऑफ कितना गया था, और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका स्टेट भी मायने रखेगा। जैसे कि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और 110 नंबर 115 नंबर ला लिए होंगे और बोलेंगे कि हो जाएगा, तो मुश्किल है भाई। मध्य प्रदेश का कट ऑफ 120-125 के ऊपर ही आप मान करके चलिए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यूपी, बिहार, झारखंड और अदर स्टेट आप अपने हिसाब से देख लेना। चलिए इसके बाद में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैं तो बताते बताते भूल जाता हूँ, लेकिन अगली बार जो है बोर्ड पर पूरा लिख लूंगा, उसके बाद में फिर आपको एक एक कर करके समझा दूंगा। यदि आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्यार से अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो ठीक लगी होगी तो एक बार लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। जय श्री राम।